अगर मैं कॉमिक बुक यूनिवर्स की बात करूं तो डीसी यूनिवर्स सबसे आगे है, नंबर वन पर है और बहुत पुराना है, लेजेंड है। वहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करूं तो सबसे नंबर वन पे है। डीसी ने काफी बार अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की है, पर अनफॉर्चुनेटली डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स हमेशा फेल होता हुआ आया है। अगर जस्टिस लीग की ही हम बात करें, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन लेवल पर खरी नहीं उतरती है और टोटली डाउन हो जाती है मूवी। लेकिन एक्वामैन एक नई उम्मीद जगाती है, एक्वामैन एक नई किरण बनकर आती है डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। आइए बात करते हैं एक्वामैन की, तो कैसी है फिल्म, कितने स्टार्स देंगे, प्लस क्या चीजें अच्छी हैं फिल्म के अंदर, चलिए सारी बातें जान लेते हैं एक्सक्लूसिव रिव्यू में। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक्वामैन की। कहानी में बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, मतलब कहानी में दोस्तों एक्वामैन की जर्नी दिखाई जा रही है। कहानी में हमें बताया जा रहा है कि एक अटलांटिस है, जो समुद्र के नीचे एक दुनिया है, अंडरवाटर दुनिया अलग है। हमें पता चल रहा है कि ब्लैक मैंटा नाम का एक बहुत खतरनाक दुश्मन पैदा हो रहा है एक्वामैन का, और साथ ही साथ हमें एकदम विजुअली ट्रीट मिल रही है जो कि दिमाग हमारा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फिल्म में 80% लगभग लगा लीजिए फिल्म जो शूट हुई है वो क्रोमा में ही हुई है, तो बहुत 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 सारे विजुअल इफेक्ट्स हैं, स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स हैं, कलर करेक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन एंड ऑफ द फिल्म आपको है ना विजुअल इफेक्ट्स इंपैक्टफुल तो लगते हैं, बट वो आपके दिल को छू नहीं पाते, क्योंकि इतना विजुअल इफेक्ट्स देख लिया है तो स्टोरी में कहीं ना कहीं 19-20 होती है। जी हाँ, वेल यहां पे इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने लगभग 2 hours 38 minutes की फिल्म में 40 लगा लीजिए, उन्होंने सब चीज कवर करने की कोशिश की है। एक्वामैन की जर्नी, क्वीन अटलांटा की कहानी, ब्लैक मंटा की कहानी, और उसके ओशन मास्टर की कहानी, तो इन सारी कहानियों के बीच में कहीं ना कहीं फिल्म थोड़ी सी भटक जाती है। देखिए, हमने डीसी की एक फिल्म देखी थी, कौन सी, वंडर वुमन देखी थी, राइट। वंडर वुमन में का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मकसद था कि किसी तरीके से एरिस को रोकना है, पाप जिस तरीके से वो अर्थ पे फैला रहा है उसको कंट्रोल करना है। लेकिन एक्वामैन में ये ही नहीं था, उसके बहुत सारे उद्देश्य मल्टीपल है, उसको ट्राइडेंट लेना है, उसको अपने भाई से बदला लेना है और अटलांटिस को बचाना है, उसको समुद्र से जो आक्रमण होने वाला है धरती पर उसको रोकना है, और बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली उसके, उसको अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करना है। तो एक्वामैन कहीं ना कहीं इसमें फंसती चली जाती है, लेकिन लास्ट में जो एंड होती है मूवी वो दिल को जीत लेती है। जी हाँ, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्टर हैं इसके मिस्टर जेम्स वॉन। जब मैंने सुना था कि जेम्स वॉन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले, मैं ये सोच रहा था कि यार बंदा 100 बना चुका है, इंसीडियस चैप्टर्स बना चुका है, द कॉन्ज्यूरिंग जो अलग ही यूनिवर्स लेकर आए थे उसको बना चुका है, तो इस तरीके के अलग जॉनर की फिल्म वो कैसे बना पाएंगे, मतलब कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने रूसो ब्रदर्स तक को पीछे छोड़ दिया है, थोड़ी सी कहानी वीक है तो क्या हो गया, लेकिन सिनेमेटोग्राफी ले लीजिए, अंडरवाटर इफेक्ट्स ले लीजिए, टेक्निक्स ले लीजिए, कैमरा एंगल्स ले लीजिए, हर एक मामले में ये कड़ी टक्कर देते हैं रूसो ब्रदर्स को, यानी कि मार्वल वालों को। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो लगता है कहीं अगर जेम्स वॉन, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए जैसा कि हमारे ये इनके गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर्स के साथ हुआ था, तो ऐसा अगर हुआ डीसी कहीं अगर जेम्स वॉन को निकाल ना दे, तो मुझे लगता है कि मार्वल वाले उन्हें हायर कर लेंगे, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक अलग ही लेवल पे लेकर जाएंगे, क्योंकि मार्वल के पास टेक्निक भी अच्छी है, उनकी मूवी ऑथेंटिक भी रहती है, स्टोरी लाइन तगड़ी होती है। एक्वामैन की बात करते हैं, चलिए, तो स्टोरी लाइन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा आपको बेसिकली स्टोरी लाइन क्या है कैसा है, लेकिन जो भी है अच्छा है, विजुअली अपीलिंग है। 3D में देखो बॉस, 3D में आप देखोगे तभी इसके विजुअल इफेक्ट्स आपको स्पेक्टेकुलर लगेंगे, ग्रैंड लगेंगे। वहां पर अगर बात करें डायरेक्शन पोर्शन की, तो डायरेक्शन के मामले में मैं पर्सनली सर को, जेम्स वॉन जी को बधाई देना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ विशेस देना चाहता हूँ अपनी, क्योंकि उन्होंने पूरे तरीके से फोकस्ड वे में फिल्म को एक अलग लेवल पर लेके गए हैं वो। वहीं सिनेमेटोग्राफी फिल्म की जानदार है, अपीलिंग है, विविडफुल है, और आपका दिल जीत के ले जाती है। पहला ही जो एक्शन सीन है वो इतना बेहतरीन कोरियोग्राफ किया है निकोल किडमैन के साथ कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। फिर उसके बाद धीरे 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 जो हमें एक्शन सीन्स, अंडरवाटर सीन्स, और जो जो सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, एडवेंचरस जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, वो
गजब है, लिटरली गजब। और सिनेमेटोग्राफर मिस्टर डॉन ब्रिजेस को मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल है, जानदार है। आप अगर एक अगर ट्रेलर में आपने सीन देखा होगा कि कैमरा ऐसे कर कर आता है, समुद्र के अंदर वो एंट्री करता है और एकदम से पूरा ही एक विजुअल ही अलग हो जाता है। तो ये भाई इसको इतने शानदार तरीके से दिखा पाना, तो डॉन और जेम्स वॉन की वो बधाई के पात्र हैं क्योंकि उनकी वजह से ही फिल्म को इतना स्पेक्टेकुलर व्यू मिला है। फिल्म में ग्राफिक्स है, राइट, फिल्म में वीएफएक्स है, 80% तो वीएफएक्स ही वीएफएक्स है और फिल्म वीएफएक्स के मामले में एक बार सेटअप करती है। देखिए यहां पर वीएफएक्स की अगर बात करें तो हमने एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर में देखा था जो वीएफएक्स, उससे भी अच्छा यहां पर वीएफएक्स लगा मुझे, लिटरली। आई डोंट वांट टू हर्ट मार्वल फैंस, ऐसी बात नहीं है, बट लेकिन यहां पर अगर आप एक्वामैन का आप वीएफएक्स देखेंगे वो क्लासी वीएफएक्स है और प्लस अब जो आने वाली फिल्म्स है ना उनके जो स्टैंडर्ड है वो हाई कर दी है और उनको कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाएगा कि एक्वामैन के वीएफएक्स देखो आप उसके कितने अच्छे थे और आपके कितने हैं। 2018 में एक स्टैंड अलोन फिल्म आई थी किसकी, ब्लैक पैंथर की। तो ब्लैक पैंथर में जिस अलग दुनिया का हमें बारे में बताया गया था, वहां पर एक राजा होता है, एक प्रजा होती हैं और राजा को किस तरीके से चुनते हैं, एक मेन विलन होता है जो कि चैलेंज करता है राजा को। इसमें भी अंडर वाटर दुनिया है, अटलांटिस है, यहां पर भी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, आपको एक अलग फील आएगी, आपको लगेगा कि आप अटलांटिस पहुंच गए जब आप फिल्म में देखेंगे क्योंकि आपने 3D ग्लासेस लगाए होंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं दोस्तों तो एज यूजुअल जेसन ममोआ फैंटेबुलस है, माइंड ब्लोइंग है। जेसन को हमने सबसे पहले देखा था दोस्तों, एक छोटी सी क्लिप थी उसकी, क्या कहते हैं अपने सुपरमैन वर्सेस बैटमैन डॉन ऑफ जस्टिस, उसमें हमने थोड़ा सा एक हल्का सा सीन देखा था उनका। अब उसके बाद हमें थोड़ा सा और बढ़के सीन दिखा था किसमें, जस्टिस लीग में। हम बेसब्री से इस कैरेक्टर का वेट करते कि इस पर जब स्टैंड अलोन फिल्म आएगी तो कितना ज्यादा शानदार होगा। जेसन की बॉडी ले लीजिए, उनका अपीयरेंस ले लीजिए ऑन स्क्रीन, उनका वो जो व्रात है वो ले लीजिए और प्लस उनके डायलॉग एक्सेंट ले लीजिए, उनकी आंखें ले लीजिए, हर एक मामले में जेसन परफेक्ट कास्टिंग है एज एक्वामैन। वहीं उनकी जो दोस्त बनी है यानी कि मीरा, और उसे एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है एम्बर हर्ड ने, तो उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को जानदार बनाया है, लाइवली बनाया है। और अगर आप एक्वामैन को याद करेंगे तो साथ ही साथ आपके दिमाग में अपने आप इमेज आ जाएगी मीरा की। ओके, फिल्म के हीरो हीरोइन की तो मैंने बात कर ली, फिल्म के नेगेटिव विलन यानी कि नेगेटिव पर्सनैलिटी की मैं बात करता हूं, यानी कि ओशन मास्टर, और इसमें एक और है वो है ब्लैक मांटा। ब्लैक मांटा की कहानी हमें ज्यादा नहीं छूती है, बिल्कुल कनेक्ट नहीं होते हम, वो ऐसे हश हश में दिखा दी है जेम्स वॉन ने ऐसा लगा, लेकिन ओशन मास्टर का जो पर्सनैलिटी दिखाया है पैट्रिक विल्सन ने वो कमाल का है। पैट्रिक विल्सन आई गेस जेम्स वॉन के सबसे फेवरेट एक्टर हैं क्योंकि उनकी फिल्म्स में वो लगातार होती रहते हैं, चाहे वो इंसीडियस हो या फिर द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स हो, तो वो होती हैं। तो इस फिल्म के अंदर भी पैट्रिक कमाल करते हैं, आंखों से एक्टिंग करते हैं और साथ ही साथ जो लड़ाई के सीन्स हैं उनमें फैंटेबुलस जॉब लगती है। निकोल किडमैन की मैं बात करना चाहूंगा जो कि क्वीन अटलाना बनी है, और निकोल किडमैन ने अपनी आंखें नहीं तो वैसे निकोल किडमैन की मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि निकोल किडमैन ने बहुत ही प्यारी एक्टिंग की है दोस्तों, चाहे वो मदर के रूप में हो या क्वीन के रूप में हो, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको प्रेज करते हैं। ओवर एंड ऑल अगर बात करूं दोस्तों तो फिल्म देखने लायक है, आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आप सुपर हीरोज के फैन हैं और एक्वामैन आपको फैसिनेट करता है तो, क्योंकि समुद्र के अंदर की दुनिया कैसी है, कितनी बड़ी वेल है, जेलीफिश है, टर्टल्स हैं, टर्टल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और लास्ट में एक बहुत बड़ा जानवर टाइप का आता है जिसपे एक्वामैन बैठा हुआ है। और साथ ही साथ हाँ, फिल्म के एंड क्रेडिट्स के लिए वेट करना क्योंकि फिल्म के एंड क्रेडिट्स मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते चलते रिवाज है स्टार्स देने का, तो 5 में से मैं 4 स्टार इस फिल्म को देना चाहता हूं। 1 इसलिए कम दे रहा हूं क्योंकि स्टोरी बहुत सारे एंगल थे जिसकी वजह से हम लूज ट्रैक करते जा रहे थे कभी कभार, लेकिन ओवर एंड ऑल इट्स अ विजुअल ट्रीट, आप जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरीके के अपडेट्स मैं रहूंगा राहुल भोज रिव्यूज के साथ, इंटरेस्टिंग चटपटे रिव्यूज एक्सक्लूसिव तरीके से आप लोगों के लिए। टेक केयर, एक्वामैन।